हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड्स। अभी मैं पोचिकी में लैंड हो रहा हूँ और फिर थोड़ी देर बाद लूट करके आपको दिखाते हैं आगे का। इस छत पे आने के बाद मुझे यहाँ से एक बॉट स्पॉट होता है, लेकिन रेड डॉट होने की वजह से एक भी शॉट नहीं लगता। अभी हम आगे जाके इसको मारेंगे। यहाँ पे आते आते मुझे एक और बॉडी मिल जाता है, उसे पहले नॉक कर दूँ, फिर जिसको हमने पहले देखा था। अभी यहाँ पे बहुत फायरिंग हो रही थी, लेकिन सब बंदे आपस में लड़के मर गए, तो मुझे बहुत ही कम किल मिले थे पोचिंकी से। अब मैं यहाँ पे बहुत देर तक बंदों को ढूंढता रहा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही मुझे बंदा मिला जिसको मैंने, देखें आप कैसे मारा है, देखते हैं। ये मुझे ऊपर से नीचे भगा जा रहा, लेकिन मैंने आखिरकार उसको मार ही दिया। यहाँ पे मुझे कार98 मिल गई। अब शुरू होगी सस्ती स्नैपिंग। वहाँ से लूट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ इस उनकी साइड और रोज़ॉक की साइड, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आती है। और ये देखें, मुझसे बीड़े वाला स्कूटर चलता ही नहीं, इसलिए मैं पैदल ही आ गया। सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, अब देखते हैं उसे कैसे मारता हूँ। अब बंदा तो मुझे स्पॉट हो गया, एक किल चोरी करना था, लेकिन वो पहले ही मर गया बॉट, वरना इसको भी मार देता। अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ झोपड़ों की साइड। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही बंदा मिलता है, तो मैं उसको कार98 से मारता हूँ। कार98 का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यही होता है जब आप सस्ते नशे करके गेम खेलते हैं। अब मैं उस बंदे की M4 उठा के स्कूट की साइड आता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही होती है, तो यहाँ पे कुछ बंदे आपस में लड़के मर जाते हैं और कुछ बंदों को मैं मार लेता हूँ। इस पत्थर के पीछे तीन बंदे थे, एक नॉक थे जिसे मैंने फिनिश कर दिया, बाकी दो यहाँ पे कैम लगा के बैठ गए। अब ये वहाँ से हिलेंगे ही नहीं एंड तक। मैं उन बंदों को उनके हाल पे छोड़ के इन बंदों को मारना आया था जो स्कूल में भाषण मचा रहे थे। इस बेचारे बंदे को पता ही नहीं कि बंदा कहाँ से कब आया और कब नॉक करके चलाइए। M4 पर मैं स्कोप लगाना भूल गया था, लेकिन मैंने इसको रेड डॉट से ही मार दिया। अभी तक तो मैं सबकी बॉडियों पे शॉट दे रहा था, अब ये देखें हेड शॉट। अब ये बंदे पत्थर के पीछे अपना घर बसा लेते हैं, वहीं पर ही रहते हैं, वहीं से हिलते ही नहीं।
मैंने उसको दोबारा नॉक किया, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी और बाइक पीछे पड़ी हुई है, तो मैं रश नहीं कर सकता था, तो मैं दोबारा कवर में आ गया। अब वो लेट खेल खेल के आगे आ रहा है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये होता है फ्लिक शॉट। अब मैं इस फाइट को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने फ़ौरन ही रश कर दिया। ये नॉक हुआ, अब ये फिनिश भी हो जाएगा क्योंकि इसके टीममेट का हाथ नहीं लगा और ये बहुत दफ़ा नॉक हो चुका था। ये बंदा मुझसे काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने इतना नॉक किया था। अब ये ज़्यादा फायर भी नहीं करता जब मैं ओपन से भागता हुआ रहता हूँ। मेरा स्प्रे बहुत ज़्यादा बेकार होता है, एक भी गोली नहीं लगती, लेकिन कवर में चले जाता है। अब यहाँ पे अपने नेड और स्प्रे का बदला लूँगा। सामने ड्रॉप हुआ था तो मैं वहाँ जा ही रहा था कि मुझे बीच में एक बंदा स्पॉट हो गया था। उसको मैंने बहुत ज़्यादा मारा लेकिन ये मरा ही नहीं। मैं इस बंदे पे रश करने गया तो फिर मुझे हर जगह से गोलियाँ पड़ी, तो मैं वापसी आ गया। और क्या मैं बचाऊँ इस जगह पे? अब देखें, मैंने सोचा कि यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे रुक जाता हूँ, लेकिन यहाँ के हर जगह की गेट खुले हुए थे और बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं यहाँ से भी निकल गया। अब मैंने सोचा कि मैं जोन में चला जाता हूँ, फिर बाद में इन सबको आने नहीं दूँगा। यहाँ पर मैं उसको कार्नेटेड का बॉडी शॉट मारता हूँ और M4 की सिर्फ एक गोली लगती है, अगर दो लगती तो 1 HP तो ये मर ही जाता, लेकिन ये बच गया। उसके बाद मैं इस जगह आता हूँ, यहाँ पर उसी बंदे की बाइक खड़ी हुई होती है और उस बंदे के फुटस्टेप आते हैं, तो मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। अगर आप ओपन में हो और सामने वाले बंदे के पास स्नाइपर हो, तो आपको कभी भी ओपन में नहीं लेटना चाहिए। इससे बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आप मूवमेंट ज़्यादा नहीं दे पाते। मैंने उस बंदे को देखा था, यहाँ पे किसी को मार रहा था, तो मैंने बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करी तो मुझे गोली पड़ी, तो मुझे बंदे स्पॉट हो चुके थे। तो देखें कैसे मारा मैंने उन्हें। नहीं भाई, AWM से पंगा नहीं लेना। मुझे पता था कि उनमें से किसी एक के पास AWM है, तो मैंने ज़्यादा पीक नहीं किया। अब वो लोग मेरी गाड़ी को डैमेज कर रहे थे ताकि मैं जोन में ना जा पाऊँ। अबे यार रिज, ये पूरा हेड शॉट था लेकिन रिज की वजह से नहीं लगा और मेरा एक किल कम हो गया। इस बंदे को देखें, ये मेरे पीछे ही बैठा था, इसने मुझे स्पॉट ही नहीं किया, ये उधर ही मारे आ रहा है उन बंदे को। यहाँ पे उनका एक बंदा ओपन में भागने लगा, उसको मैं एक R98 मारता हूँ लेकिन वो बच जाता है, दूसरी थोड़ी मिस हो गई। अब ये वहाँ पे बैठ के हील कर लेते हैं। मैंने अभी बिल्कुल सही टाइम पे क्राउच किया क्योंकि मेरे हेड पे ही निशान था, बिल्कुल कान के पास से गोली गई है। इस बंदे को मैंने दोबारा बॉडी शॉट दिया लेकिन ये बच गया। अब ये ओपन में लेट जाएगा बिल्कुल। M4 का स्प्रे तो नहीं जा सकता था, तो मैंने कार98 निकाली और इसको मार दिया, हेडशॉट।
सबसे पहले मैंने इस बंदे का किल कन्फर्म किया और मैं जोन की तरफ निकल नहीं रहा था कि मुझे AWM वाला बंदा मिल गया। मैंने AWM वाले बंदे को इग्नोर किया और जोन में आ गया। तो यहाँ पे एक गिरोजा वाला बंदा बैठा था तो उसको मैंने मारा, वो AWM वाले को स्पॉट करा हुआ था। अब मुझे पता चल गया था कि AWM वाला यहीं पर ही है तो मैंने इसको इजीली मार दिया। अब ये देखिए पबजी के नशे, विनर विनर चिकन डिनर हो तो गया लेकिन लिखा हुआ नहीं आया। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए है? और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।